राजस्थान में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। इस बार भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या से वहां पर माहौल बेहद संवेदनशील है। खबरों के मुताबिक कल रात भीलवाड़ा के शास्त्री नगर क्षेत्र में ब्रह्माणी स्वीट्स के पास कथित तौर पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने चाकू मारकर 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल पहुंचने तक आदर्श तापड़िया ने दम तोड़ दिया। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापत, भीलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी समेत बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए। हत्या में मारे गए युवक के परिवार का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक वो शव नहीं उठाएंगे। भीलवाड़ा शहर में तनाव को देखते हुए शहर के पांचों थाना क्षेत्र में एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद की घोषणा की। जिला प्रशासन ने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो फिर सुलग रहा है राजस्थान। 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद से ही वहां पर माहौल गर्म है। दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का इल्जाम लगा है जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। शास्त्री नगर क्षेत्र में कल रात चाकुओं से इस 22 साल के युवक पर हमला किया गया। अस्पताल ले जाने से पहले आदर्श की मौत हो गई। युवक की हत्या के बाद पूरे शहर में, भीलवाड़ा शहर में तनाव बना हुआ है। बीजेपी, वीएचपी, हिंदू जागरण मंच का आज भीलवाड़ा बंद का ऐलान है। भीलवाड़ा में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एसटीएफ समेत आरएसी की तैनाती यहां पर की गई है। इसके साथ आदर्श तापड़िया की हत्या को लेकर परिजनों की मांग है कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। देव अंकुर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। देव अंकुर, देखिए मामला बेहद संवेदनशील और ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी को लेकर क्या कह रही है? क्या कुछ लोग सीसीटीवी या फिर चश्मदीदों की गवाही से चिन्हित हुए हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए नेहा, अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक पहले से कोई रंजिश का मामला था। हालांकि जितने भी आरोपी हैं पूरे मामले में वो सभी के सभी एक समुदाय से बताए जा रहे हैं, जिन्होंने एक हिंदू लड़के के ऊपर हमला किया और जो हमला था इतना घातक था कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो रोष हुआ है उसमें विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल कूद गए हैं। उनकी मांग है कि न केवल जो सारे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, एक दिन के अंदर हो। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपए जो परिवार है लड़के का उसको दिए जाए, उसके परिवार वालों को दिए जाए। जो पूरी रंजिश है ये पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पर जिस तरह से राजस्थान में पिछले कुछ समय में आप जान रही हैं नेहा के पहले करौली में हिंसा हुई सामुदायिक लोगों के बीच में, उसके बाद फिर जो कुछ अलवर में हुआ मंदिरों के टूटने की वजह से, उसके बाद जो इसी महीने में जोधपुर में हुआ और जो भीलवाड़ा का जो कल का मामला है, उसके बाद कहीं ना कहीं तनाव का माहौल बना हुआ है। इंटरनेट बैन कर दिया गया है वहां पर 24 घंटे के लिए। आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट का बैन है और पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। आपने पूछा नेहा कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई है। पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है और सुराग जो है उनको ढूंढने में लगी हुई है ताकि जो आरोपी हैं इस मामले में वो पकड़े जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवक को इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राजस्थान में बवाल ही बवाल, अलग शहरों से खबरें सामने आ रही है और भीलवाड़ा में कल रात हुई युवक की हत्या से तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। इससे पहले भी जोधपुर में ईद के मौके पर झंडे लगाने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। करौली में नव संवत्सर पर शोभा यात्रा पर पथराव के बाद दोनों समुदाय भिड़ गए जिसमें 34 लोग घायल हुए थे। इस केस में 59 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उधर अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान 300 साल पुराना मंदिर गिराने से बवाल मच गया था। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है।